नमस्कार आदाब सत श्री अकाल दोस्तों, मैं हूं अंशित शर्मा और आप सभी का रियासी अपडेट्स में स्वागत है। नौ देवियां ट्रस्ट को खत्म कर बोर्ड बनाया जाए, इस मांग को लेकर पांगल के कुछ लोग रियासी पहुंचे हैं और मीडिया के जरिए इस मांग को उठा रहे हैं। इनका आरोप है कि नौ देवियां ट्रस्ट में बहुत सी गड़बड़ियां हुई हैं और इस ट्रस्ट को खत्म कर बोर्ड का निर्माण करवाया जाए और वहां का विकास करवाया जाए। यहां वहां के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या आरोप इनके द्वारा स्पष्ट तौर पर उस ट्रस्ट पर लगाया जा रहा है और स्पष्ट तौर पर इनकी क्या मांग है। सर स्वागत है आपका, थोड़ा सा अपनी इंट्रोडक्शन दे दें और क्या मांग आप इस समय कर रहे हैं। मेरा नाम ओंकार सिंह है, मैं पांगल गांव का रहने वाला और पंचायत हमारे घर जितो है। ठीक है, के तुस मांग करा ने स्पष्ट तौर उपर जेका ट्रस्ट एला चला दा के ओदे कोला संतुष्ट नहीं हो, काम सही नहीं करा दा, ते एक रिपोर्ट भी तुसे असें ऑफ कैमरा दसी, ओ के रिपोर्ट है? ओ सर, इस ट्रस्ट ने कोई भी काम आज तक अच्छा नहीं किता और इंदी थोड़ी जी अपनी गै मनमानी होंदी है। ग्रां दे विच कई बारी अस मतलब सारे लोग कट्ठे होए, इन्हें पुछया भी इन्हें अज तक कोई गल नहीं पुछते हैं। एह्दे च असें सारे लोकें एक ये जिहड़ा ट्रस्ट है ये एक ग्रां दा ट्रस्ट है, एक पांगल ग्रां दा ट्रस्ट है। इस ट्रस्ट दे विच कुछ लोग जिहड़े इस वेले मैंबर ना वो लोग कोई गल नहीं अज तक पुछी जां किसे इहदे खिलाफ असें जिहड़ी आवाज़ उठाई है पांगल ट्रस्ट के खिलाफ, जो भी आवाज उठाई है हमने, नव दुर्गा जलाड़ी माता ट्रस्ट पांगल। हाँ, थोड़ा ना इतिहास भी समझना चाहिए, कोल्ले ट्रस्ट का निर्माण होया ते क्या सारे सहमति करने निर्माण होया हां या कुछ लोगों के ऐसी बना उड़िया था ये ट्रस्ट जेड़ा? सर एक बार वारी ये मतलब सारे ग्रां दे लोग कट्ठे होए, असें उस वेले ट्रस्ट जेड़ा असें बनाया हा राजाबंदी कन्ने बनया हा, अस लोग भी ओदे विच शामिल है। ओदे बाद च मतलब जिल्लै 6 महीने साल लंघिया इस ट्रस्ट ने अज तक कोई ग्रां लई जां लोकें गी कोई ओदे कोई जानकारी नहीं दित्ती, इत्थे सोर्स की है, इनकम की है, ओदे बारे अज तक कोई नहीं दस्या। ये दिखदे दिखदे 5-6-7 साल होई गए, 7 साल दे बाद लोकें गी पता लगी गई, मतलब लोकें आवाज उठाई, ओदे बाद आवाज उठाने दे बाद च आज तहसीलदार साहब को लगे। कितनी देर पहले ट्रस्ट का निर्माण होया? लगभग ये तकरीबन 2013 दे विच इहदा निर्माण होया हा, ओदे बाद च अज तक भी ये 6 महीने जां 7 महीने गुला गए, इहदा बाद च लोकें जिहड़ी आवाज उठाई। 2013 गी गठन होया हा ट्रस्ट दा? 2013 गी इहदा ट्रस्ट दा गठबंधन होया हा। ओदा काम करने दा तरीका हा तुस ओदे कोला संतुष्ट? थोड़ी देर दे बाद तुस संतुष्टि जताई, तुंदी गल नहीं सुनी जांदी ही ओदे? ओदा बाद च 2-4 महीने 6 महीने दे बाद च जिल्लै लोकें इन्हें पुछया भाई किन्नियां नया चला दा जां के है, इन्हें अज तक 8 साल दे विच 10 साल दे विच इन्हें लोकें गी कोई गल नहीं दसी। ओदे च इन्हें जो काम किया इन्हें अपनी मर्जी कन्नै किया और एहदे विच सारा ग्रां जिहड़ा इन्हां दे खिलाफ होया, खिलाफ होने दी आवाज उठाई लोकें, लोग कट्ठे हुई है तहसीलदार साहब को लगे एप्लीकेशन दितियां। ये गल है ये होई है मिला साल हुई है ये ये साल हुई है ये गलबात चलदे साल। ओदे बाद च मतलब एक डीसी साहब ने आर्डर किया कटरा तहसीलदार और एसडीएम साहब की, वो मौके और तहसीलदार साहब आए, उन्हें सारा कुछ दिखने का बावजूद भी उन्हें भी दस्या कि ट्रस्ट जेड़ा अनलीगल चला दा, एदा कोई डाकूमेंट्स नहीं है, कुछ नहीं है। तहसीलदार साहब ने पहले रिपोर्ट कोला भी पहले ही एक बारी उन्हें दस्या, ओदे बाद च इन्हें दौड़ो भजी किसी सुनाया या फिर ऑफिशियली कोई एक रिपोर्ट तैयार की? मेरा आखना वाला जिला तहसीलदार साहब आए असें लोकें गै लिया तहसीलदार साहब की ग्रां दे लोकें, जिला ग्रां दे लोकें आया उन्दे ग्रां दे लोग भी उल्लै सारे मौजूदा है ते ट्रस्ट आले भी आए, उस वेले तहसीलदार साहब ने ग्रां दे सामने इन्हेंगी आखिया कोई नहीं कोई डाकूमेंट्स तुस दसो, ये तुस इन्ना चिर होइया तुसें इसी चलांदे, इन्हें कोई डाकूमेंट्स जेड़ा मौके दे उपर मतलब वो नहीं पेश नहीं करी सके। फिर इन्हें टाइम मंगिया, टाइम उन्हें 15 दिन टाइम मंगिया ते इन्हें 3 महीने मंगिया, तहसीलदार साहब ने 15 दिन का टाइम दिता, इन्हें 3 महीने मंगिया, ओदे बाद च भी दौड़ो भजी हुई। ओदे बाद च एक आर्डर होया मतलब अस डीसी साहब को लाए पेश होए, डीसी साहब ने एक कमेटी गठबंधन की जेदे च एसडीएम गी इन्वॉल्व किया, उन्हें के एसडीएम गी गै सौंपी दिता उन्हें सारा काम के एसडीएम कटरा ने एक कमेटी गठबंधन की जेदे हर डिपार्टमेंट के इंजीनियर बुलाए गए, ओदे विच कुछ बिल्डिंग है एक, ओदे विच होर भी जिन्ने भी काम होए दे वो काम की जी उनकारी इंदी शुरू हुई, जिन्ने भी काम जेडे ट्रस्ट ने करवाए दे उनकारी शुरू हुई, अनकारी शुरू होने दा बाद च मतलब फिर इन्हें टाइम मंगिया, इन्हें टाइम मंगिया असीं 2 महीने का टाइम दिता जा, फिर इन्हें टाइम दिता गया
टाइम देने दा बाद जिसलै इनकारी सारी पूरी हुई तो वह एस टी एम साहब को सारी रिपोर्ट जी एस टी एम साहब को गई उठी। एस टी एम साहब ने 14/10 की 2021 की मतलब डी सी साहब को सौंपी दी। बाद अज तक डी सी साहब ने जां कुसै भी मतलब अफसर ने अज तक ओ कोई संज्ञान नहीं लिया। रिपोर्ट यह रिपोर्ट हूँ जनाब ये साढ़े को भी पेदी है, ये रिपोर्ट जी सब को पेदी एस टी एम साहब को डी सी साहब को भी पेदी टेबल के उपर। बाद डी सी साहब ने भी थोड़ी ढिल वरती और एस टी एम साहब ने पूरी रिपोर्ट जी है डी सी साहब को सौंपी दी है। अस ये चाहते हाँ उधर दसदा हाँ कि उधर गलतियां हुआ दिया सारिया रिपोर्टा जीडिया गलत पाई गई पूरी पूरी गलत पाई पाई गई जिन्हें भी इंजीनियर है उन्हें जिन्हें भी रिपोर्टा पाई दी सारिया गलत पाई दी। रिपोर्ट पब्लिकली हुई थी रिपोर्ट पब्लिक बिच जारी की थी डीसी रियासी ने या फिर अली तुसें अपने अली उन्हें मतलब पेंडिंग रखी सीक्रेट रखी दी है ओपन हो गई लोगों का पता लगी है गई जेडे लोग उत्थे इंजीनियर जेडे गए उन्हें लीक आउट करी गए छोड़ी दी है मतलब सारी जी कोई ठीक नहीं है जी बिल्डिंग बनी दी जो भी गलबात होती जो भी अधिकारी उ बिल्कुल जेडे उत्थों के अधिकारी साढ़े कोई गलबात नहीं करते हैं वह जो आवाज उठाने की कोशिश करता उन्हें लोगों का घर जाइए किसी ने किसी हिसाब कन्ने चाहे बोतल ले आइए चाहे पैसे दे उड़े इस हिसाब कन्ने उन्हें लोगों की ठंडा कर लेंगे अगर जगह नहीं गया है उसी थ्रैट भी देंगे ये असें बिल्कुल ये रिपोर्टा भी दर्ज करवाई दी कटरे थाने के अज तक डीसी साहब ये दिखा देन कि जियां वैष्णो देवी हादसा होया जिहदा 10-15 आदमी मरी गए जां सिहाड़ बाबा होया हा अस ये दिखाने के डीसी साहब इये चीज दिखा करदे ने कि अस डेड बॉडियां चुकने ही जागे उत्थे जेकी इमारत दी गल करने तो इमारत से इमारत बिल्कुल गलत है सर। उधर किस जगह बिच बनाई गई वो बिल्कुल मतलब खड्ड दे विच बनी दी है इक नाले दे विच बनी दी है उहदी कोई फाउंडेशन नहीं है कोई कुछ नहीं है वो बिल्कुल बिल्कुल नाले दे बीच बनी दी है। और उस ट्रस्ट दे लोगों कन्ने तुंदी कदे गलबात होई कि तुसे गलत बनाने तुसे उन्हें ऑब्जेक्शन कीती जनाब बड़ा बारी हाली दौड़े कदे बुलाया कि नहीं अगर अस अचानक चली भी गए होगे जबरन चली भी गए होगे इंटरफेयर असें कीता होग उन्हें यह आख्या कुत्ते बिल्ले ग्रां दे जेड़े कुछ नहीं साड़ा बिगाड़ी सकदे असें जेड़ा ट्रस्ट है यह फॉर एवर कदे असें लिखाएदा ते एदा कुछ नहीं बिगाड़ी सकदे हन वो अज भी यह चीज आखदे हन अज भी ग्रां दे लोग आवाज उठांदे हन ते असें डीसी साहब की रिक्वेस्ट की है कि जनाब एदा मौके पर जाइए और एदा देखो उस बिल्डिंग दे विच अज भी चली जाओ तो उस बिल्डिंग दे विच अज भी पानी कम से 6-6 इंच पानी जिहड़ा बिल्डिंग दे विच बगा करता और असें खतरा कि यात्री उधर आवा दे जा दे कि ऐसा नहीं होगा जियां वैष्णो देवी होया जां जियां सरहाड़ बाबा होया कोई ऐसा हादसा होया तो अस की जवाब देंगे। लेकिन डीसी साहब ने अज तक एदा कोई संज्ञान नहीं लिया ते डीसी साहब जहां ये दिखा देंगे डेड बॉडियां का होंगे उत्थे जे कर दे अस जागे। जय हिंद जय भारत। तो अंदेशा ये जताया जा रहा है कि जिस इमारत का निर्माण नौदेवियां में किया गया है वो इमारत कभी भी ढह सकती है और इनका ये कहना है कि हादसा होने के बाद तो फिर तमाम बातें प्रशासन द्वारा कही जाएंगी और की जाएंगी लेकिन हादसे से पहले आखिर क्यों प्रशासन इसका संज्ञान नहीं ले रहा। और इनका ये कहना है कि एक रिपोर्ट भी डीसी ऑफिस में पहुंची है उस रिपोर्ट पर किसी तरह का कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। इनके पक्ष में रिपोर्ट है जो इन्होंने ऑब्जेक्शंस की थी वो सही पाई गई है इनके अनुसार हालांकि वो ऑफिशियल पब्लिकली वो जो रिपोर्ट है वो नहीं हुई है इन्होंने कहा। कुछ और जानकारी हासिल करेंगे और आपसे जानना चाहेंगे क्या ये वही रिपोर्ट है ये कहाँ से आपको मिली? सर जी हमने डीसी साहब से ही उधर से सर्टिफाइड कॉपी निकाली है। मैं डीसी रियासी से मिले आप इस बारे में क्या बातचीत हुई और कब मिले थे? सर बहुत बार सबसे पहले तो मैं आपके रियासी मीडिया आपका चैनल का मैं सभी रियासी का सभी का मैं थैंक्स आपका करता हूँ कि आपने हमारी साड़ी आवाज़ की लोकें तक पहुँचाने की कोशिश की है। अस ए डीसी साहब करने काफ़ी बेरी मिली चुके हैं काफ़ी बेरी असें मतलब कि डीसी साहब कितनी देर पहले मिले अज कोला ली 1-1.5 महीना हुआ था तभी अस मिले हे डीसी साहब उन्हें आख्या ये रिपोर्ट है सही रिपोर्ट बिल्कुल असें रिपोर्ट की असें दोबारा असें अप्लाई किया हा असें ग्रिवन सैल च पाई ही ना एप्लीकेशन उसके उपर सारी कार्रवाई चली ही उस मिकी इन्हें जान की मारने की धमकी दी ही मैं पुलिस च FIR लाई दी इन खिलाफ मैं एक एप्लीकेशन दी ही इन्हें आख्या हा कि ये लड़का साढ़ा खिलाफ जोड़ा बोला करता है कि इसी अस इं करी देगे नाड़ी खानदानी तबाह करूँ नहीं असें इं करी ना कि इस तरीका का ये करा दा सारे कोला पहले
जदू इन्हें बिल्डिंग का काम लाया हा असें तामी नहीं ये गल आखी ही कि ये बिल्डिंग बिल्कुल गलत जगह दे विच है। अस जगह की भी डोनेशन दें, तीन तीन कनाल जगह दी मेरे फादर साहब खड़ोते दे, असें रस्ते ट्रैक स्विमिंग पुल जेडे मतलब 20 पॉइंट्स जेडे यात्रियों के बौहने आस्ते बने दे, ये किश साड़ी फैमिली दे असें दित्ती दियां, किश इन्हें दित्ती दियां, ये अमकार सिंह होर खड़ोते दे, पवित्र सिंह होर काफ़ी जिन्नी भी डोनेशन दित्ती दी है नौ देवियों के विच ये साड़ी है। इन्हें ये काम किए, इन्हें लोगों के घर लड़ाइया लवाइया, इन्हें लोगों भराएं भराएं के विच लड़ाया, इस तरीके कन्ने इन्हें विरोध किए इन्हें, और साढ़े जेडे पुराने जेडे डीसी साहब ने असें ट्रैक बनाइए दिते दे, वो ट्रैक इन्हें डैमेज करी उड़े सारे, मतलब काफ़ी सारा इन्हें टूरिज्म का इन्ना लॉस किया, इन्हें कोई पुछने वाला नहीं आया साढ़े को, असें डीसी साहब को भी शिकायत, एसडीएम साहब की मैं फोटोग्राफरी सारी वीडियोग्राफरियाँ सारिया हर चीज़ दसी है, वीडियोग्राफ साढ़े को भी भेजते हर चीज़ केड़े वीडियो ने ये सर जे जिसलै ट्रैक तोड़ा दे उन्दे पूरी वीडियोग्राफरी है, असें कोर्ट च भी साढ़ा ये चला करता, कोर्ट च चला करता, चलो अलग चीज़ है साड़ी, असें पूरा ग्रां ने यह डिमांड की ही ये ट्रस्ट जेड़ा बने दा बिल्कुल गलत तरीके कन्ने बने दा, इन्हें कोई कुछ ही आखो तुस के कोई साड़ी पंचायत बिच ट्रस्ट नहीं बनिया कोई किसी विच, ये सिर्फ एक साढ़े ना 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 बिल्कुल नहीं कोई रजामंदी कन्ने ट्रस्ट नहीं उस वेला बनिया कोई किसी विच, कुछ लोगों ये कट्ठे साढ़े कुछ सरमाएदार लोग कट्ठे हुई है एक जगह बैठे हे, इन्हें उत्थे गए अपनी कमेटी का गठन किया हा, सीधा कोर्ट च इन्हें जाइए दे उड़िया कि ये मैंबर ये सैकटरी ये चेयरमैन हो गए कैशियर हो गए, बिल्कुल नहीं लैता, और उस तो बाद चलो ग्रां के लोगों सहमत करू उड़िया कि यार चलो चलांगन अच्छा चलो ठीक है, कोई नहीं बोलिया, उस तो बाद 8 साल हुई है जिसलै श्राइन बोर्ड डीसी साहब ने अंडर एज ही ये जगह नौ देवियां जेड़ियां डीसी साहब को पंचायत अघार जीतो वे, हाँ पंचायत अघार जीतो वे डीसी साहब को इन्हें चार्ज लिया, उसलै कम से कम 1 करोड़ रुपया जेड़ा मेरी गल सुन हा कि वो बैलेंस हा जेड़ा डीसी साहब का टाइम हा, वो पैसा भी इन्हें खुर्द बुर्द करी उड़िया, जिसलै साढ़े ग्रां के लोगों उन्हें पुछने की कोशिश की कि भाई तुस बिल्डिंग बना दियो ये माता का पैसा है साढ़े ग्रां का पैसा है तुस के करा दियो, उत्थे काफ़ी सारी लड़ाई बनी ही, उस तो बाद असें एक ग्रामीण सभा के विच असें ये मुद्दा चुकिया कि चलो साढ़े ग्रां की गल है कि भाई मैंबरें भी सदो सारे ही सदो, उत्थे लड़ाइया झगड़े शुरू हो गए वो मनते गए नहीं कुछ ही, सर अस कोई गल करचै आवाज चुकी है आखते अस दवाई दें पुलिस साड़ी है रेवन्यू साड़ा है तो अस जाओ कुतियां भौंकी लाओ, ये लफज इस तरीके के लफज साढ़े कन्ने बोलते हैं, असें उन्हें इस तरीके की लैंग्वेज इस तरीके के मैंबर अनपढ़ मैंबर ने जेडे एक पढ़े लिखे द आदमी का और एक अनपढ़ का इतों का पहचान होंगी है कि अगर वो ये चीज़ आखा तो कि ग्रां के लोग जाइए जिथे मर्जी भौंकन जाइए, इसका मतलब कि आवाज़ चुकना कोई जुलम है, अगर कोई गलत काम करा दा उसके खिलाफ आवाज़ चुकना, पहले ने असी कोशिश की कि उन्हें सारे लोगों असें कट्ठी होइए समझाने की कि साढ़े ग्रां के लोग नो, मगर नहीं समझा जिसलै कोई तो फिर उसके खिलाफ कोई एक्शन लेना जुलम है, फिर अगर जेड़ा बंदा एक डोनेशन दिंदा जेड़ा बंदा एक जगह ने दान दिंदा उसी के आखना जाता कि उसका परिवार की जानू मारी देगे, ये केड़ा मतलब इंसाफ है कि असें जगह दित्तियां सारे कोला साड़ी तहसीलदार साहब ने रिपोर्ट पाई दियां हर चीज़ की पूरा रेवन्यू ने जो लिखिए दिते दा सब कुछ डीसी साहब की भी पता तहसीलदार साहब की हर चीज़ की पता, करोड़ों रुपए का लॉस इन्हें किया मतलब करोड़ों रुपए का इन्हें लॉस किया, उस लॉस का जिम्मेवार कौन है, जेकी ये डेवलपमेंट नौ देवियां हुई थी वो कौन करवाई दी, क्या ट्रस्ट ने क्या करवाई दी या फिर प्रशासन करने मिली या टूरिज्म वाले कर 75% जी इसल नौ देवियों के बच्चे डिवेलपमेंट हुई थी, किश लोगों एक विजय कोहली साहब दिल्ली का आते हैं जिसल इस जगह का शुरुआत हुई ही वो लोगों की खुद जेडे उत्थे पुजारी बैठे दे होंदे हे जेड़ा माता की सेवा करते हैं वो खुद पैसे देंदे हे उन्हें, उसके बाद उन्हें उत्थे जनरेटर दिता है एक नेरै विच यात्री जेडे दर्शन करते हैं, इन्हें उस जनरेटर की भी लड़ामियां कीतियां, इन्हें और दी और लोहा जेड़ा टूरिज्म दियां लाइटां लगी दियां हां वो भी इन्हें क्वाड दे रेट विच बेचियां, इन्हें गड्डियां लड़ाम करी दित्तियां इन्हें, चलो होर कई चीज़ां जेड़ियां ऐसियां ना इन्हें मेरी दसियां तक नहीं, फिर इन्दे आपे ट्रांसपोर्टर ने मतलब कि कुत्थे काम लाना कोई कंडीशन नहीं भरनियाँ कोई कुछ है कुछ हम किस ये मतलब कि इस तरीके करने के साड़ियाँ गड्डियाँ चली जाएंगन साढ़े अपने बिजनेस चली जाएंगन, और ये असे भी चीज़ आखनी है पूरी इनकारी होना चाहिए कि वह ना है चेक कटोए दे वो भी मैंबरें का ना गया कटोए दे क्योंकि मैंबरें दियां गै गड्डियां हाँ उत्थे दे मैंबरें दा गै सब कुछ है, हाँ अस डीसी साहब अगे बड़े बहुत जबरदस्त साढ़े कन्ने जातियां हुई दियां साढ़े कन्ने बिल्कुल इन्नियां ना इंसाफियां हुई दियां, मैं तुसें सा सौतेली मां भी नहीं ना मतलब कि अपने ये नए बच्चें कन्ने करी सकदी ते नहीं किश जिस तरीके कन्ने इन्हें ग्रां दा मतलब कि सत्यानाश करियै रखिया, और जिसने बोलने की कोशिश की उसी शामिल चली जांदे क्योंकि पैसा खुल्ला इंदे कोल
माता दा मैं ये चीज आखना बड़ी एक शर्म की गल करना कि साढ़े हिंदू जिथे मंदिर न साढ़े हिंदू जिथे ट्रस्ट न कोई मैं आखना यह नया गंदा जेड़ा ट्रस्ट है मतलब कि यह नया गंदा जेड़ा ट्रस्ट नहीं कुसै जगह दे विच है तो नहीं कहे कि जिस तरीके कन्ने गंदा ट्रस्ट चला दा साढ़े पंगल ग्रां दे विच और जेड़ा जिन्ना भी मैं आखना इस पैसा का जिम्मेवार जेड़ा इन्हें गलत जगह बिच पैसा लाए दा इस दे जिम्मेवार सिर्फ मैं ये चीज़ जरूर आखना अस जिन्ने बेरी भी आखी होग जिन्ने बेरी भी आखी होग एक दो बंदा जेड़ा इस पैसा का जिम्मेवार है ये पुराने साढ़े चेयरमैन और वो जवाब देंगे इस गल्ला दा कि गलत काम उपर पैसा ये तुसें सारे डाक्यूमेंट दिखे कि आर्थिक जेकी तंदलियां होई दियां या बिल्डिंग कियां बनी ओदी इंक्वायरी होनी चाहिए और दोषी उपर कार्रवाई होना चाहिए बिल्कुल माता दा पैसा है श्रद्धालुओं दा पैसा है किस मान्यता कन्ने लोग एक मंदिर दे विच जांदे न मैं ये चीज आखना चाहना गुरुद्वारे च चली जाओ किन्ना प्रेम है किन्ना एक दूए दा लाड प्यार है तुस कुसे दा मस्जिद चली जांदे हो एक दूए ने गले लगदे न साढ़े मंदिर हिंदुओं दे जिथे भी मंदिर हैं हर जगह मतलब कि ऐसे पुठे झगड़े बनाए दे किस गल्ला लड़ाए दे अगर लालच गै नहीं है किसी चीज़ का तो छड्डी देना चाहिए सब कुछ तुसें चोरिया क्यों ट्रस्ट बनाया तुस ग्रां दा जलास बुलाओ पंचायत का जलास बुलाओ तुस ओहदे विच आखो कि मेरी गल सुनो हां कि भाई असें नहीं करनी है उन्हें आखिया कि असें कोई मैंबर कड्ढो दिखी लगे अस उसी ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਗੱਲ ਹੈ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਗੱਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਸਕਦਾ ਸਰ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਾਣੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਟਰਸਟ ਹੈ ਉਸੇ ਕੇ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਏ ਇਹ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹੈ ਤੇ ਗ੍ਰੀਵਨ ਸੱਲੇ ਚ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਪਾਈ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਖੀ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਚਾਹਨੇ ਆ ਕਿ ਇਸ ਤੇ ਡੀਸੀ ਸਾਹਿਬ ਚੇਅਰਮੈਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦੇ ਔਰ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਲੋਕ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਜਿਹੜੇ ਅੱਛੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਦੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਕਰਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਚਲਾਣ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਖਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਸ ਕਾਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿਸ਼ ਹੈ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖੇ ਦਾ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਹੋਈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਲਿਖੇ ਦਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਤੱਕ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਵੀ ਗੈਸਟਡ ਅਫਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵੇ ਉਸ ਦੇ ਤੇ ਅਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ ਇਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆਰਡਰ ਤੇ ਕੋਈ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਐਸਾ ਹੋਇਆ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ ਇਸੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ जारी किया जा बस ये साड़ी मांग है और डीसी साहब अगे साड़ी मेरी पूरी ये है कि साढ़े ये ग्रां दे लोग चंद लोग जेड़ी आवाज़ चुका दे इन्हें लोगों ही किसी किस्म का हर चीज़ का खतरा है कि के लड़ाइया झगड़े का माहौल बने दा उत्थे असें डीसी साहब कन्ने भी शायद जल्द कोला जल्द मिलना जाइए कि साड़ी रक्षा कौन करोग उंदे कोल हर चीज़ है पैसा भी है गड्डियां भी है हर चीज़ आला पासा है वो है साड़ी सुरक्षा कुसने करोग साड़ी कौन सुरक्षा करोग अस गरीब आदमी हाँ इन्हें पैसे मंदिर दा लाने हर चीज़ दा उपर मंदिर दा लाने असें ये चीज़ आखा दे कि पुलिस साड़ी है रेवन्यू साड़ा है वकील साड़े न हर पासे मंत्री तंत्री साड़े न इन्हें इन्ने तोड़ी आखिया जगजीवन लाल और तुस साड़ा बाल नहीं बांका करी सके दे नहीं किसी दे डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर बैठे दे नो ते किसे आखिया कोई ऑडियो वीडियो है तुंदे कोल इयां आरोप नहीं लाई सके ना इस चीज़ का लांग मैं पिछे साढ़े जगजीवन लाल होर जेडे उन्दे प्राण जेडे ये तलोक राज मास्टर होर मैं आरोप लांग किसी चीज़ के उपर लांग इन्हें यह चीज़ आखी ही कि भाई इन्ना बेहतरीन ट्रस्ट जेड़ा चला दा मेरा भरा इस ट्रस्ट का मैंबर है और मैं अच्छे तरीके कन्नै चला दा मैं अज कोला कोई छे महीने पहले इन्हें यह गल आखी ही मैं इस चीज़ का गै अज सीधा गै मीडिया के माध्यम कन्नै सिर्फ मैं अपने जगजीवन लाल होरें ही सिर्फ इस चीज़ का मैसेज देंग अज चार अफसर ने जी रिपोर्ट बनाई दी है भेजी दी है इस चीज़ का जगजीवन लाल होरें ही जवाब देना होग कि भाई मेरा भरा किन्ना अच्छा काम किया उत्थे मेरी इन्नी गर्व कष्ट है उन्दे अगे मैं कोई आरोप नहीं है मगर उन्हें इस चीज़ की सफाई जरूर देनी होग तो चाहने की वो सफाई दें जिसका आरोप तो चला तो चलिए आरोप है ये वन साइडेड आरोप है अब इनका ये कहना है कि इस पर डीडीसी मेंबर रियासी जो है वो जवाब दें और ये आप बता रहे थे कि ये ऑर्डर है रिपोर्ट नहीं है कोई ये ऑर्डर निकाला गया क्या ये ऑर्डर निकाला गया ऑर्डर नंबर कैमरे में बताइए ऑर्डर नंबर 446 डीसी रियासी 46 डीसी रियासी 2021 ये इम्प्लीमेंट करवाने की आप ये मांग कर रहे हैं कि आप इसे इम्प्लीमेंट करवाएं किसी ग्राउंड जीरो पर इम्प्लीमेंट करवाएं हाँ ठीक है हम यही चाहते हैं कि जो भी ऑर्डर है इसको इम्प्लीमेंट किया जाए और हमने पैसे जेब से लगाने हैं अगर कहीं भी जाएंगे तो जेब से लगाते हैं तो इन लोगों ने वहां से ही ट्रस्ट के पैसे ही मिस यूज कर रहे हैं हम यही लोग चाहते हैं कि उस ट्रस्ट के जो जब भी वो वहाँ का जितना भी अमाउंट है कैश है जो यात्री दे रहे हैं हर चीज़ हो रहा है कोई कमरों के लिए दे रहा है डोनेशन कोई कैसे दे रहा है इन्होंने आज तक कोई रसीद नहीं काटी है
और ना उस पैसे को मिसयूज किया, ना आज तक किसी को बताया। ये वहां से ही पैसे, हर चीज वहां से ही पैसा मिसयूज कर रहे हैं। ये हम जेब से लगाते हैं और ये भी चाहते हैं आपने जेब से लगाने। नहीं, हमने आप लोगों के इसमें कोई पर्सनल हित तो नहीं ये मामला? बिल्कुल बिल्कुल कोई पर्सनल हित नहीं है। आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं कि जो नव दुर्गा जलाड़ी माता का ट्रस्ट है पंचायत पांगल का, तो उसमें यह होना चाहिए कि वहाँ के गले सील होना चाहिए। पंचायत एक बार फिर बताएं, पंचायत कौन सी? पंचायत अगार जितो है। हाँ, अगार जितो पंचायत है, नव दुर्गा जलाड़ी माता जो ट्रस्ट है ये बांगल का है, लेकिन इसमें पंचायत अगार जितो ही है ना। इसमें आज तक कोई भी मेंबर पंचायत का या सरपंच या कोई, इन्होंने बिल्कुल नहीं कभी बुलाया ना उनको। आज तक सरपंच हैं, पंच हैं, चेयरमैन है, डीडीसी के चेयरमैन है, आज तक इन्होंने उनको कभी उधर बुलाया ही नहीं। एक बार डीसी साहब गए थे उन पिछली बार, तो उसी पार्टी ने लिया था, ये भी उनका वेलकम कर रहे थे, डीसी साहब ने भी उनका वेलकम किया, तो डीसी साहब का उन्होंने वेलकम किया, डीसी साहब ने भी चक्कर लगाया आगे। हम डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट चाहते हैं कि जैसे वैष्णो देवी में अभी हादसा हुआ, जहां हुआ, तो ऐसे हादसे ना हो। हम डीसी साहब से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि इस बात का जल्दी से जल्दी संगीत लें। जी चलिए, संज्ञान। तो नव दुर्गा ट्रस्ट जो है, जो नौ देवियां का ट्रस्ट बनाया गया है, उसके ऊपर संगीन आरोप इन्होंने लगाए हैं। इन्होंने कहा कि आर्थिक जो है रूप से वहां पे गड़बड़ियां हो रही हैं, और मुख्य तौर पर एक इमारत का जो निर्माण किया गया है नियमों को ताक पर रखकर किया गया है, और किसी भी समय कोई बड़ा हादसा हो सकता है, और हादसा होने से पहले प्रशासन को वहां की सुध लेनी चाहिए। कुछ पर्सनल आरोप जो हैं वो भी लगाए गए हैं, और डीडीसी मेंबर रियासी के जो हैं उनके ऊपर भी इन्होंने कटाक्ष किया है, और उनसे भी इस मामले में का एक सवाल इन्होंने किया है, और उसका जवाब भी ये चाहते हैं कि वो दे। तो चलिए, ये तो वन साइडेड था, अब दूसरे पक्ष के भी जवाब जो है वो हम लेने की कोशिश करेंगे, उनका इस मुद्दे के ऊपर क्या कुछ कहना है वो भी कोशिश करेंगे कि उनका पक्ष भी आप तक पहुंचाया जाए। फिलहाल इस कवरेज में इतना ही, मेरे सहयोगी संयम के साथ मुझे दीजिए अनुमति, धन्यवाद।